गाइस व्हाट्स अप, फ्रेश ईयर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस सॉरी, मैंने 3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं की है, पता नहीं ऐसा क्यों हो गया। एक्चुअली मैंने आज एक पॉडकास्ट देखा था जिसमें वो लोग फिटनेस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें एक आदमी था वो बात कर रहा था कि उसने ऐसे ठान ली थी कि वो जिम मतलब रेगुलर जाएगा, लेकिन एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया। उसका दोस्त भी बोल रहा था कि तुम मत आ, लेकिन उसने सोचा कि नहीं मैं जाऊँगा नहीं, तो फिर आज अगर एक दिन भी छुट्टी पड़ गई तो फिर ऐसे ही होता रहेगा। तो मेरे साथ भी सेम हुआ था, मैंने सिर्फ एक दिन का जो ब्रेक लिया उसके अंदर मैं 3 दिन मैंने एक्सटेंड कर लिए, सॉरी। तो गाइस ये जो हेलीकॉप्टर है वो मैंने लेस्टर के पास ऑर्डर करके मंगवाया है, सिर्फ 12 घंटे के लिए ये है हमारे पास, और ये मुझे 12 घंटे के अंदर अंदर मुझे ये, अरे क्या कर रहा है, ओके हाँ, तो ये 12 घंटे के अंदर मुझे रिटर्न करना है। तो फ़िलहाल तो मैं अपने आर्केड पर चलता हूँ ताकि मैं अपना जो आर्केड का मिशन है उसमें अरे कैसिनोइस्ट का मिशन है उसके अंदर प्रोग्रेस कर सकूं। ओके तो मेरा आर्केड यहीं पे है पास में। ये मुझे ये हेलीकॉप्टर को लैंडिंग करने में बहुत तकलीफ पड़ती है, पता नहीं क्यों। अरे गलत जगह पे, नहीं मैंने रास्ते पे कर दिया, मुझे आगे ले जाना था थोड़ा। ओके बस इसके अंदर, ओके अरे लैंड हो जा अभी, बस अब मुझे आगे लैंडिंग करना है, वाह। ओके गाइस तो फिलहाल चलता हूँ मैं अपने आर्केड के अंदर। ओके गाइस तो मैं अपने आर्केड के अंदर आ चुका हूँ, तो फटाफट जाता हूँ मैं अपने प्रेप बोर्ड के पास। और ओके गाइस तो मेरे टोटल 4 मिशंस बाकी थे, जो कि ये री इन्फोर्स्ड आर्मर, वॉल्ट एक्सप्लोसिव्स, ये जो सिक्योरिटी इंटेल है वो बाकी था, और एक ये मास्क का था वो बाकी था। तो मेरा जो मास्क वाला था वो मैंने कर दिया है, और ये वॉल्ट एक्सप्लोसिव्स है वो भी मैंने मेंशन कर दिया है। अब मुझे सिर्फ 2 बाकी है, वो है रीइंफोर्स्ड आर्मर और ये सिक्योरिटी इंटेल। सिक्योरिटी इंटेल के लिए मुझे देखना पड़ेगा क्या करना है। तो फिलहाल तो मैं रीइंफोर्स्ड आर्मर वाला मिशन करने वाला हूँ। उसके अंदर हमें क्या करना है कि जो एकदम मेरीवेदर है ना, अपने GTA 5 में मेरीवेदर करके एक पता नहीं मिलिट्री की कुछ पता नहीं कुछ है, तो उन्होंने एक बहुत ही एडवांस आर्मर बनाया है जिससे अगर आपको कितनी भी गोलियां लगे तो वो आपको लगेगी नहीं, तो वो चुराने जाना है हमें सबसे पहले। तो ये मिशन सबसे पहले आज हम करेंगे। यस तो ये रहा मेरा हेलीकॉप्टर, इसी के अंदर बैठ के चलो, क्योंकि गाड़ी में जाने से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती रहती है। ओके गाइस तो फटाफट मैं निकलता हूँ यहाँ से। ये पहाड़ ये जो है ना, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इतना ऊंचा पहाड़ है, हेलीकॉप्टर को ऊंचाई पर ले जाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन हेलीकॉप्टर स्पीड बहुत चलता है। मुझे पहले लगता था कि हवा में पता नहीं चलता कि आप कितनी स्पीड पर जा रहे हो, लेकिन अगर आप मैप में देखोगे तो आहा ऐसा लगता है कि 6-7 किलोमीटर 1 सेकेंड में कवर कर रहे हैं, ऐसा ही होता है शायद, पता नहीं। ओके और गाइस हाँ, मैं आपको बताना भूल गया कि मेरे पास जो गाड़ी थी, मेरे कार कलेक्शन में मैंने एक और गाड़ी ऐड की है, तो वो गाड़ी मैं आपको एंड में अगर याद रहेगा तो बता दूंगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में तो पक्का ही बताने वाला हूँ। वो गाड़ी एकदम पता नहीं, मैं आपको उसके बारे में सब नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो फिलहाल तो मैंने मेरीवेदर के बंकर के पास चलता हूँ। ओके तो मार्टिन मद्राजो का नहीं है, कुछ और ही है, सॉरी। ओके तो ये रहा बंकर मेरीवेदर का, मैं बाहर ही लैंडिंग करता हूँ। गाइस तो यहाँ पर एक भी गार्ड तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी अपनी गन रखता हूँ और सीधा जाता हूँ इस बंकर के अंदर। मुझे ऐसा एक बंकर ख़रीदना भी है, लेकिन उसके लिए मुझे 100-200 और क्या बोलते हैं 100-200,000 डॉलर्स और चाहिए। मेरे पास 1.9 है, 2.4 मिलियन डॉलर्स मुझे करना है। चलता हूँ पहले सीधे अंदर, कोई पकड़ ना ले तो अच्छा। और गाइस तो इस बार इस साइड से जाता हूँ। It's over!
ये गाइस ये भी गया, एक यहीं पर है। अरे यार मैं घूम के इनडायरेक्टली वहीं पे आया। ओके गाइस तो यहाँ पर मैं बाहर तो आ चुका हूँ। मेरे हेलीकॉप्टर यहीं पे पार्क तो किया था, कोई बात नहीं, मैं इनकी जो बुलेट प्रूफ कार है वही लेके चला जाता हूँ। अरे कांच भी टूट गया, कोई बात नहीं, भागना पड़ेगा यार। 8 किलोमीटर है, हेलीकॉप्टर होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, कोई पुलिस वाला पीछे ना पड़े तो अच्छा। मैं शॉर्टकट लेते लेते ही जाता हूँ। यस तो मुझे यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर, मैंने लेस्टर से मांगा तो उसने मुझे हेलीकॉप्टर की लोकेशन बता दी। गाइस तो मैं यहाँ पर अपने कैसीनो अरे आर्केड पर पहुँच चुका हूँ। फटाफट यहाँ पर मेरा जो पहला आर्मर है वो डिलीवर कर दिया है मैंने। अब फटाफट से वापस हेलीकॉप्टर में बैठकर पहुँच जाता हूँ, नहीं तो फिर तकलीफ़ हो जाएगी। यहाँ पर इतना फॉग है ना कि क्या बोलूँ। अरे अरे गया, मेरे पास अब हेलीकॉप्टर भी नहीं है, मैं क्या करूँ। हेलीकॉप्टर टूट गया, मैंने गलत जगह पर पार्क कर दिया, यहाँ से निकलना पड़ेगा यार। ओह हो रही, आ रेट भाई, ये रही दूसरी। चल 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 आ जा। ओके बेस्ट ऑप्शन, ऑडी आ रेट ही मिल गई डायरेक्टली। अब मैं भगाऊंगा एकदम अपनी स्पीड पे। ओके इतनी स्मूथ चल रही है ये गाड़ी, वाह इतना मज़ा आ गया। फटाफट निकलना पड़ेगा यहाँ से, और निकल ही चुका हूँ, लेकिन यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जाना है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर है। लेकिन पता नहीं अभी पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा, वही नहीं पता मुझे। पहुँच तो जाऊँगा लेकिन रिटर्न हो पाऊँगा, क्योंकि लेस्टर इतना गधा इंसान है, ऐसे मिशन ऐसे डेलिकेट मिशन में भी वो टाइमिंग रखता है। उससे गधा इंसान कोई होगा ही नहीं पूरी यूनिवर्स में। ओके गाइस तो मैं अपनी आरेट को ठोकते ठोकते यहाँ पर पहुँच ही गया हूँ, बस 500 मीटर्स दूर है। ओके गाइस तो मैं इनके बंकर पर यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। अब मुझे दूसरा जो आर्मर है वो भी ढूंढना पड़ेगा, उसमें कितनी तकलीफ़ होगी। और गाइस तो ये जो दूसरा था ऐसे करके ये गया, पिस्टल लेके मारने आते हैं। ओके गाइस तो ओके गाइस तो मुझे अभी यहाँ से फटाफट निकलना पड़ेगा, और शायद लेस्टर ने कहा मतलब कहा है कि शायद वो लोग मेरा पीछा भी कर सकते हैं, और मेरे पास मेरी आर्मर्ड कार भी नहीं है। अरे पागल, मैं गया, मेरी आर्मर्ड कार आई नहीं। पहले मैं मेरी गाड़ी मंगवा लेता हूँ। अरे यार मुझे मार कौन रहा है वो समझ नहीं आ रहा। एक और गोली खाई मैंने और मैं गया, वापस से मैं गया एक बार। मुझे बस अपनी गाड़ी तक पहुंचना है यार। ये रहा, ये ले, ये ए, ओके एक गया, पहुंचता हूँ अपनी गाड़ी के पास, तब तक दूसरा भी आ जाएगा मारने के लिए।
ये दूसरा भी गया ऑलमोस्ट। मेरे पास टाइम ही नहीं है एक तो, और मेरे एक भी गोली खाई तो मैं गया। ओके, मैंने रेंज रोवर रेस्टर के पास से मंगवा ली थी, एकदम आर्मर्ड कार है ये, मुझे फटाफट जाना पड़ेगा। लेकिन ये ज़्यादा बुलेट प्रूफ नहीं है जो मेरी एक्चुअल कार है उससे। ओके, फटाफट बैठ। ओके गाइस, तो मैं अभी एकदम सेफ हूँ ऐसा मुझे लग रहा है। ये गाड़ी मुझे नहीं लगता ज़्यादा देर टिकने वाली है, मुझे फटाफट निकलना पड़ेगा यहाँ से इससे पहले कि टाइम लिमिट शुरू हो जाए। आठ किलोमीटर्स दूर जाना है मुझे ऑलमोस्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा। ओके, देखो ये गधे ने टाइम चालू कर दिया, कुत्ते ने टाइम लिमिट के अंदर नहीं करेंगे तो क्या जाएगा इस। अब कुछ नहीं, लोगों को मैं छोड़ाऊँ कैसे। ओके, तो एक गया। एक नहीं, दोनों ही मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अरे यार फटा, ये गाड़ी एक तो इतनी स्लो है। कोई बात नहीं, फटाफट भगाना पड़ेगा यहाँ से। रॉन्ग साइड से ही चलता हूँ लेकिन अभी मुझे निकलना पड़ेगा यहाँ से। ओके, मैं आ गया हूँ अपने उसके अंदर। मेरी गाड़ी एकदम बुलेट प्रूफ है तो कुछ हुआ नहीं है। इस गाड़ी के लिए मुझे पूरे $5,000 देने पड़े मेरे कंपनी को। पता नहीं मेरी कंपनी के लिए भी मुझे गाड़ी लेनी पड़ती है, अरे पैसे देने पड़ते हैं। कोई बात नहीं, एक बार ही टनल आ जाए तो उसके अंदर मैं घुसाऊंगा। ये R8 भी इधर है लेकिन मेरे पास अभी एक्सचेंज करने का टाइम नहीं है, और ये ऊपर से खुली गाड़ी है, मतलब ऊपर से कन्वर्टिबल है। अब मैं इसको रूफ बंद करूँगा, उसके लिए मुझे गाड़ी खड़ी रखनी पड़ेगी। अगर मैं ऐसा करूँगा तो वो लोग मुझे मार डालेंगे या फिर मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ऑलरेडी मेरे पास सिर्फ 3.5 मिनट बाकी हैं, होपफुली मैं पहुँच जाऊँ। टनल कब आएगा, टनल टनल टनल। ओके, ये एक और एक R8 है। ओके, तो ये एक यहाँ पर बंद पड़ी है लेकिन मैं टनल टनल आ जाए तो बहुत ठीक। यहाँ पर एक टनल आ गई है लेकिन वो रॉन्ग साइड वालों के लिए है, मतलब लेफ़्ट साइड वालों के लिए ही टनल है। बस रास्ता मिल जाएगा तो उसके अंदर घुस जाऊँ मैं, लेकिन R8 भी मिलनी चाहिए ना उसके अंदर। कोई एक और निकली, एक गाड़ी तो निकली। अरे इसकी माँ का, ओ वो रही R8। फटाफट फटाफट चुरा लेता हूँ, चल ला बे R8 दे अपनी। ओके गाइस, तो टाइम थोड़ा कम है लेकिन मैंने इसका जो छपड़ा है वो भी इंस्टॉल कर दिया है। अब मुझे फटाफट यहाँ से रॉन्ग साइड लेकर भी निकलना तो पड़ेगा। ये लोग मुझे देख कैसे पा रहे हैं टनल के अंदर कि मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ वैसा। ओके, कोई बात नहीं, मैं निकल ही गया हूँ ऑलमोस्ट। फटाफट भागना पड़ेगा यहाँ से अभी मुझे अपने साइड जाना पड़ेगा। बच गया बच गया बच गया बच गया। ओके, तो हेलीकॉप्टर ने भी मेरा पीछा छोड़ दिया है, तो मुझे सिर्फ 2 किलोमीटर और दूर जाना है तो होपफुली मैं पहुँच जाऊँ। और अरे यार ये वापस से आ गए, ये गाड़ियाँ की क्या है। कोई बात नहीं, जो भी हो वो हेलीकॉप्टर तो नहीं है ना, हेलीकॉप्टर तो अभी मार मार के मार डालेंगे ऐसा लगता है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी गाड़ियाँ आएंगी मुझे मारने के लिए, लेकिन मैं ऑलमोस्ट पहुँच ही चुका हूँ। 2 मिनट बाकी और मुझे 1.25 किलोमीटर और कंप्लीट करना है। ओके, तो मेरी आवाज़ भी बैठ रही है। अरे उसकी माँ, अरे कुछ बात नहीं। अरे 2 हेलीकॉप्टर और आ गए, इनकी माँ का टांगा। अरे भाग भाग भाग, इससे पहले कि ये लोग यहाँ तक पहुँचे भाग भाग भाग, मुझे पहुँचना ही पड़ेगा, मेरी इज्जत का सवाल है अब तो। और आगे जाना था। ओके, तो पीछा छूट गया है और मैंने डिलीवर कर दिया है। हाश, इतना डर गया था ना मैं, मेरी R8 ठुकी भी नहीं, कहीं पे ठुकी होगी याद नहीं है। कोई बात नहीं, फाइनली मैं दूसरी बार, मैंने इसलिए मैंने 3 दिन से रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मैंने किया था परसों लेकिन वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। और अभी भी मैंने वापस से एक बार वीडियो रिकॉर्ड किया था इससे पहले लेकिन वो वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए मुझे ये तीसरी बार ये मिशन करना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं गाइज, अब
मेरा जो पूरा प्रेप बोर्ड है वो मैंने मिशंस कर डाले हैं सबके। मैंने राइफल लोड आउट कर दिया है, फिर ये जो गाड़ी चुराना था वो भी मैंने कर लिया है, गेटअवे व्हीकल्स, फिर हैकिंग डिवाइस भी मैंने चुरा लिया है, वॉल्ट की कार्ड्स मैंने चुरा लिया है, पेट्रोल रूट्स भी मैंने चुरा ली है, अरे यार चुरा ली है, मैं बोल भी नहीं पा रहा इतना डर गया था। डगन शिपमेंट्स में मैंने सिर्फ 3 जो शिपमेंट्स थे वो डिस्ट्रॉय किए हैं, पावर ड्रिल्स मैंने कर दिया है, सिक्योरिटी पास मैंने चुरा लिया है, वॉल्ट एक्सप्लोसिव्स भी मैंने चुरा लिया है, थर्मल चार्जेस मैंने चुरा लिया है और रीइन्फोर्स्ड आर्मर भी मैंने चुरा लिए हैं। मुझे अब ये सिर्फ सिक्योरिटी इंटेल मिशन जो है वो करना बाकी है, तो वो मैं अगली वीडियो में आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक के लिए इस वीडियो को पक्का प्लीज़ भीख मांगता हूँ आपसे, रिक्वेस्ट करता हूँ, लाइक कर देना, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, वरना मैं कुछ और दबा दूँगा, सब्सक्राइब बटन दबा दूँगा, मजाक कर रहा था, सब्सक्राइब बटन दबा देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो तक के लिए, गुड बाय।